हेलो असलम, कम कैसे हैं आप सब फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तुम्हारा आज का टॉपिक है, आप व्हाट्सएप पर डीपी जो है प्रोफाइल जिसको बोलते हैं आप वो लगाना चाहते हैं। जब आप वो लगाते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से फुल डीपी जो है फुल पिक्चर लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो आप फुल पिक्चर को यहाँ पे व्हाट्सएप की डीपी पे कैसे लगा सकते हैं, हमारा आज का ये टॉपिक है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। चलते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में आ जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर से आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है स्क्वायर क्विक, ठीक है। जैसे ये मैंने लिखा है, यहाँ पे आपने यही लिख के आप सर्च करेंगे, ये ऐप आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे आपको इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है एडिटर। एडिटर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे बाद ये आपसे परमिशन मांगेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे अलो कर देना है। अलो करने के बाद आपको इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ये पिक्चर और फोटो वगैरह की परमिशन मांगेगा, आपने अलो करना है, ठीक है। आप अलो करेंगे, जैसे ही आप इसको अलो करेंगे यहाँ पे आपकी गैलरी जो है ओपन होगी। यहाँ से वो पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने डी पी पे लगानी है। मैं जल्दी से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप फोटो को सिलेक्ट करेंगे इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड है इसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बहुत सारे, यहाँ पे वाइट भी मिल जाता है, ब्लैक भी मिल जाता है। इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कलर पर जाके अगर आप कोई और कलर रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप इस पर बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना चाहते हैं, ठीक है। सिंपली ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कोई एक, ठीक है। जैसे मैं इसी को रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है, ये कलर रखने के बाद जब आपका फोटो एडिट हो जाए, ठीक है। एडिट होने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद, मैं जल्दी से इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है डाउनलोड वाला, ये वाला, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं ये देख सकते हैं सक्सेसफुली सेव हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप व्हाट्सएप में जाते हैं। व्हाट्सएप में जाने के बाद मैं जल्दी से उसको डी पी पे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ उसके बाद यहाँ पर इसको बैक करता हूँ, मैंने पहले सेलेक्ट किया था। यहाँ पर इस पर क्लिक करके मेरी गैलरी ओपन हो रही है। मैं जल्दी से उस फोटो को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं जैसे ही मैंने इस फोटो को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये जैसे ही सिलेक्ट किया ये फुल पिक्चर जो है सिलेक्ट हो गई है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, सिंपली आपने डन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ये जो पिक्चर होगी आपकी प्रोफाइल पे फुल पिक्चर लग जाएगी। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप पर फुल पिक्चर को लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आखिर पर मैं सब बहन भाई दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी जितनी भी नई वीडियो आने वाली आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।